सो गाइस अभी आप लोग साइड में यहाँ पर प्रूफ देख सकते हो, यहाँ पर जैसे ही मैंने हैशटैग शॉर्ट डाला तो यहाँ पर जो है 969 मिलियन वीडियोस यहाँ पर आ गई हैं। यानी कि गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो इतनी सारी लोगों की वीडियोस हैशटैग शॉर्ट में यहाँ पर वायरल हो रही हैं। जैसे गाइस आप लोग यहाँ पर नीचे प्रूफ पे प्रूफ देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को हर एक वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 248 मिलियन व्यूज, 170 मिलियन व्यूज, नॉर्मल सा रिएक्शन है 148 वीडियो में 1.09 मिलियन सब्सक्राइबर्स कर लिए। कैसे? सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्क करके। और इसी टाइप का स्मार्ट वर्क करके आप भी अपनी शॉर्ट्स को वायरल करवा सकते हो। हैशटैग शॉर्ट्स में अगर आप नहीं आ पाए हो तो आना सीखो, इस वीडियो में पूरा का पूरा बताने वाला हूं। आप हैशटैग शॉर्ट्स में आ जाओगे और हैशटैग शॉर्ट्स में आने के बाद आप अपनी वीडियोस को बहुत तगड़े तरीके से वायरल करवा सकते हो। तो हैशटैग शॉर्ट में आप आ कह सकते हो, इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। आपके अभी भाई पर विश्वास रखो, आपकी शॉर्ट्स को वायरल गारंटीड करवा देगा। ठीक है, मैंने अपनी वायरल करवाई है तो मैं आपकी भी वायरल करवा दूंगा। और जैसे कि यहाँ पर मिलियंस में लोग बाग व्यूज ला रहे हैं हैशटैग शॉर्ट्स में लाके, ऐसे आप भी ला सकते हो। इस वीडियो में हम सब चीज डिटेल में समझने वाले हैं। वीडियो ये काफी ज्यादा मजेदार है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी का भी लाइक कर दीजिए सभी लोग। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए गाइस आज की इस अल्ट्रा इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, हैशटैग शॉर्ट्स में आप लोग देख सकते हो 969 मिलियन वीडियोस में डाला जा चुका है। चलिए अब मेन बात आती है, आपकी शॉर्ट्स को वायरल कैसे करवाया जाए। मेन है आपकी शॉर्ट्स पर 0 व्यूज, 200 व्यूज, 100 व्यू पे जाने के बाद वीडियो रुक जा रही है, नहीं चल रही है एक्स्ट्रा, तो कैसे आप अपनी शॉर्ट वीडियोस को आगे बढ़ा सकते हो, हैशटैग शॉर्ट्स में लाने के बाद कैसे वायरल कर सकते हो, अब इस वीडियो में प्रोसेस को पूरा समझो। यहां पर गाइस मैं इनकॉग्निटो मोड में आया, मैंने सर्च बार में आपके सामने एक चीज डाल रहा हूं। देखो सबसे पहला शॉर्ट्स को वायरल करवाने का सिस्टम है वो है अपना शॉर्ट्स का सर्च फैक्टर आगे बढ़ा लो। एक बार सर्च फैक्टर आपने आगे बढ़ा लिया, किस्मत चल जाएगी, शॉर्ट्स चैनल हमेशा चलने वाला है और अच्छे खासे पैसे भी कमवा के देगा, सब्सक्राइबर भी आपको मिलेंगे और ईच एंड एवरीथिंग आपको हर एक चीज मिल जाने वाली है एक बार सर्च पर कमांड कर ली तो। जैसे कि मैंने यहाँ पर टॉपिक डाला सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, आपको शॉर्ट्स नहीं डालना है, आपको सिंपली यहाँ पर शॉर्ट्स वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है। अब जैसे ही गाइस आपने ऑप्शन पर सेलेक्ट किया, आप यहाँ पर देखो लोगों की जो वीडियोस हैं वो काफी हद तक मिलियंस में गई हैं। शॉर्ट वीडियोस देखो, यहाँ पर एक भाई है, इनकी शॉर्ट वीडियो वायरल हुई है, 19 वीडियो में 14,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। यहाँ पर इनकी पॉपुलर शॉर्ट्स कितनी है, 1.5 मिलियन व्यूज ले आई, 19 वीडियो में चैनल चल पड़ा। ठीक है, आपका चैनल कैसे चलेगा, आप 250 वीडियो अपलोड कर चुके हो, 300 वीडियो अपलोड कर चुके हो, आपका चैनल नहीं चल रहा लेकिन लोगों का 250 में चल जा रहा है, किसी किसी का 19 वीडियो में चल जा रहा है, किसी किसी का 10 ही वीडियो में चल जा रहा है लेकिन आपका नहीं चल रहा। आपका चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए सुनिए। यहां पर आप लोग तमाम सारे कीवर्ड्स यहां पर देखोगे, जब लोगों के यहां पर व्यूज आ रहे हैं, इनके आप लोग व्यूज देखोगे तो 3.6 मिलियन इनके व्यूज आए हैं, इनके 4.3 मिलियन आए हैं। अब ये वीडियोज वायरल हुई कैसे, आपकी वीडियोज वायरल होंगी कैसे, आपको अपनी शॉर्ट्स को कैसे वायरल करवाना है, इस वीडियो को पूरा देखो। गाइस सबसे पहला फैक्टर है सर्च वाला कमांड। जैसे कि गाइस मैंने इनके वीडियो पे क्लिक किया, डिस्क्रिप्शन में गया तो यहाँ पर जो इनकी वीडियो गाइस जो वायरल हुई है ना वो इन कीवर्ड्स के माध्यम से हुई है। यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग, हर एक कीवर्ड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो हैशटैग भी डाला गया है, जहाँ पर मेरा भी हैशटैग डाला हुआ है, हैशटैग अभी राठौर, तो मेरे हैशटैग के नीचे इनकी वीडियो शॉर्ट्स की आई हो, वहां से इनकी रिकमेंड हुई और अच्छी खासी तरीके से इनकी शॉर्ट्स यहाँ पर ये वायरल हुई है। और इसी के साथ ये जो कीवर्ड्स हैं इनसे इनकी इनकी शॉर्ट वीडियो जो है वो रैंक करी है, रैंक करके वायरल भी हुई है। तो ऐसे शॉर्ट्स के कीवर्ड्स आपको कहां से मिलेंगे, आपको सिंपली गाइस क्रोम पर आना है। क्रोम पर आने के बाद आपको यूट्यूब कीवर्ड्स डाल के सर्च करना है और यहाँ पर आप लोगों को एक कीवर्ड टूल नाम का फैक्टर मिलेगा, एक वेबसाइट मिलेगी, सिंपली गाइस इस पे आ जाना। यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, आपको सिंपली यूट्यूब को सेलेक्ट करना है, यहाँ पर एक कीवर्ड डालना होगा आपको। जैसे कि यहाँ पर मैंने डाला सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, जैसा मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ वैसा देखते जाना, इसी तरीके से आपको करना है, आपकी भी शॉर्ट्स डंके की चोट पे कह रहा हूँ वायरल हो जाएगी। सर्च फैक्टर आपका खुलेगा, वायरल होने का मतलब है सर्च फैक्टर खुलेगा, और सर्च फैक्टर खुलेगा तो आपकी शॉर्ट्स जो है वो यहाँ सर्च में आने वाली है और इन्हीं की तरह आपकी यहाँ पर शॉर्ट्स रैंक करने वाली। जितने भी नीचे चले जाऊंगा ना आपको सारी की सारी शॉर्ट्स वायरल दिखेंगी। देखो यहाँ पर 67 के व्यूज, 66 के व्यूज, 239 के, 164 मिलियन, ठीक है, 49 के, 499 छह दिन पहले डाली है वायरल हो रही है, 107 के, 2.7 मिलियन, जितने भी नीचे चले जाऊंगा ना सभी की शॉर्ट्स यहाँ पर वायरल हो रही हैं। मेन है आपकी भी शॉर्ट्स वायरल करवानी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डाला सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, ग्लोबल वर्ल्ड वाइड आपको चाहिए, नहीं भैया हमें इंडिया का ही चाहिए क्योंकि हम इंडिया में चाहते हैं कि इस कीवर्ड पर कितने ज़्यादा सर्चेज हो रहे हैं, हमको सर्च में आना है। ठीक है, इंडिया हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमारी कंट्री इंडिया हो गई, इंग्लिश हमको रहने देना है, सर्च पर सिंपली क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद ये वेरीफाई करेगा आप ह्यूमन हो के नहीं, ठीक है, वो वेरीफाई होने जाने देंगे। अब यहाँ पर वो वाले कीवर्ड्स आने वाले हैं जो आपकी शॉर्ट्स को रैंक करवाने वाले हैं, जो आपकी शॉर्ट्स को वायरल करवाने वाले हैं, और वहां पर आपकी चांदी होने वाली है। अब जैसे कि गाइज मैंने यहाँ पर डाला 395 कीवर्ड्स आ चुके हैं, ठीक है, अब यहाँ पर आओ,
कीवर्ड्स आपको मिल गए, आपको मिल गए कीवर्ड्स कैसे, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं 2024, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं फ्री में, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं यूट्यूब पर, ठीक है। ये यहाँ पर आपको 10 टू 15 कीवर्ड्स तुरंत के तुरंत इस तरीके से यहाँ पर ये सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर कॉपी वाला ये सिंबल आ रहा है ना, सिंपली गाइज यहाँ पर आपको कॉपी कर लेने। अब कॉपी किया, आपके 5 कीवर्ड कॉपी हो चुके हैं। सिंपली गाइज कुछ नहीं करना आपको, जैसे कि इन बंदों ने, सभी लोगों ने फोकस के साथ इस पर काम किया है तो आपको इन पे काम करना है। जैसे कि इनके डिस्क्रिप्शन में आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ये कीवर्ड डले ना, इसी तरीके से आपको आने के बाद डिस्क्रिप्शन में इन कीवर्ड्स को पेस्ट कर देना है। इतना काम तो आप लोग कर लोगे ना डिस्क्रिप्शन में। जैसे ही आप लोग गाइस कीवर्ड्स को पेस्ट करोगे, आप एक चीज देखना, आपकी यहाँ पर शॉर्ट्स पे व्यूज आने लग जाएंगे सर्च फैक्टर से। जैसे कि इन यूट्यूबर्स की रैंक कर रही है, इनके कितने सब्सक्राइबर है, 5000 सब्सक्राइबर है, लेकिन व्यूज वीडियो पर कितने ले आए हैं मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। व्यूज ले आए हैं 7,98,000। तो जब 5000 सब्सक्राइबर वाले के 7,00,000 व्यू आ सकते हैं शॉर्ट्स में, तो आपके क्यों नहीं आ सकते। काम तो आपको बस इतना ही करना है कि आपको कीवर्ड्स पर फोकस करना है, क्योंकि कीवर्ड्स के माध्यम से आप सर्च में आओगे, शॉर्ट्स के, शॉर्ट वीडियोस के सर्च में आओगे। जैसे कि मैंने देखो ना, अरे मैं लॉन्ग वीडियोस का थोड़ी ना बता रहा हूँ, मैं शॉर्ट्स का बता रहा हूँ। शॉर्ट्स पे क्लिक किया तो ये शॉर्ट्स सेक्शन में जो रैंक कर रहे हैं वहां पर आप भी रैंक करने लग जाओगे। रैंक करने लग जाओगे तो आपके शॉर्ट्स पे व्यूज आने लग जाएंगे, व्यूज आने लग जाएंगे तो आपकी शॉर्ट्स वायरल होगी, आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, आपकी अर्निंग होगी, ईच एंड एवरीथिंग आपको हर एक चीज मिल जाएगी। बस अभी भाई की इस बात को फोकस के साथ काम कर लो। पहला हो गया, आपने कीवर्ड्स के माध्यम से अपनी शॉर्ट्स को यहाँ पर रैंक करवा लिया, रैंक करवा लिया तो आपका यूट्यूब सर्च वाला फैक्टर खुल गया। अब मेन बात है आपका शॉर्ट्स फीड वाला फैक्टर कैसे खुलेगा, शॉर्ट्स फीड में आपकी वीडियो कैसे जाएगी, शॉर्ट्स फीड में आपको अपनी वीडियो को भेजना पड़ेगा तो कैसे आप लोग वो शॉर्ट स्पीड का ग्राफ को जो है बढ़ा सकते हो, कैसे अपनी शॉर्ट स्पीड में उसको भेज सकते हो, ठीक है। तो अब उसको भेजने के लिए, शॉर्ट स्पीड में अपनी वीडियो को भेजने के लिए आपको आना है सिंपली यहां पर, और यहाँ पर आप लोगों को ट्रेंडिंग वाला ऑप्शन मिलेगा। YouTube सर्च का मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, YouTube सर्च में आप इजीली जा सकते हो उस तरीके से जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रोसेस बताया है। प्रोसेस फॉलो कर लेना, YouTube सर्च में इजीली आ जाओगे। मेन बात है आपको अब जाना है हैशटैग शॉर्ट्स फीड में। हैशटैग शॉर्ट्स फीड में जाने के लिए गाइज आपको फोकस करना पड़ेगा शॉर्ट्स वाले ऑप्शन पे जो ट्रेंडिंग में आ रहा है। ट्रेंडिंग में जितने भी ये सॉन्ग्स आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4 करके देखोगे आप लोग 10 सॉन्ग्स आ रहे हैं। 10 सॉन्ग्स को अगली 10 शॉर्ट्स में इन सॉन्ग्स को लगाना है और इनकी वॉल्यूम को रखना है कम, बिल्कुल कम रखना है। 2-4% आप लोग सफिशियंट है रख सकते हो, और 2-4% रखने के बाद, इन सॉन्ग्स को लगाने के बाद आपके कॉन्टेंट में दम होनी चाहिए, आपका कॉन्टेंट चल जाएगा। कैसा कॉन्टेंट देखो, ये एक सॉन्ग है काठू मेला, ठीक, फ्रॉम थिंक इंडी, ये है। यहाँ पर देखो लोग बागों ने अपनी शॉर्ट्स को यहाँ पर वायरल किया है। अब जैसे कि काफी सारे लोग डांसिंग टाइप बनाते हैं तो काफी सारे लोग अपने कंटेंट में इस सॉन्ग को लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो इनका है, इनका कंटेंट कुछ और है, क्रिएटिविटी का कंटेंट है, बट इन्होंने सॉन्ग का यूज किया और यहाँ पर इनकी शॉर्ट्स पर कितने व्यूज आ गए, यहाँ पर देखो 38,000 व्यू आ गए। यानी कि शॉर्ट्स रिकमेंड की ना यूट्यूब ने, शॉर्ट्स फीड में भेजी ना, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ऐसे आप भी भेज सकते हो। आप लोग कहते हो भाई हमारी नहीं जा रही, इनकी देखो 1.4 मिलियन व्यूज। इनका कंटेंट कुछ और है, इनका कंटेंट कुछ और है, वीडियो देख लो, इनकी वीडियो कुछ और है, सॉन्ग है ना वो डांसिंग टाइप है, लेकिन इनका कंटेंट कुछ और है। इन्होंने सॉन्ग लिया, वीडियो पर व्यूज कितने आ गए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, 1.4 मिलियन व्यूज आ गए कि नहीं आ गए। ये है स्मार्ट वर्क, ये है एक ऐसा वर्क जो 110% आप सभी क्रिएटर्स के लिए काम करने वाला है। ये तो ये वीडियो का हो गया, ओ ये वाला एक गाना है ओ पिलागा वेनकाती नाम से, इस पर भी लोगों ने स्मार्ट वर्क करके अपनी शॉर्ट्स को वायरल करवाया है। इनका कंटेंट आप लोग देख सकते हो, कुछ नहीं किया, सिर्फ सॉन्ग का यूज किया है, कंटेंट अपना बनाया है और सॉन्ग का यूज किया है। वीडियो पर व्यूज कितने आ गए हैं, 3,08,000। 29 जुलाई को अपलोड करी है, यानी कि आज से कुछ ही दिन पहले अपलोड करी है और 3,00,000 से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। तो मेन है मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, मेन है मैं आप लोगों को बताना क्या चाहता हूँ। मैं आप लोगों को बता ये रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि ये सॉन्ग आपका डांसिंग टाइप है तो आपको डांसिंग टाइप ही वीडियो बनानी है। नहीं भाई, आपका जो भी कॉन्टेंट है आप वो कॉन्टेंट बनाइए, बस उसमें जो सॉन्ग लग रहा है ना वहां पर आप इस सॉन्ग को लगा दीजिए। जैसे कि चांद से पर्दा है, ये वायरल हो रहा है, चांद से पर्दा कीजिए। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना कंटेंट बनाना है, बस बैकग्राउंड में इस वॉइस को लगा देना है, इस सॉन्ग को लगा देना है, वहां पर आपकी वायरल होने वाली है। और एक बात याद रखिएगा, जो ट्रेंडिंग म्यूजिक चल रहा है आपको उस पर ही फोकस करना है। अगर आप उस पर फोकस करके काम करोगे तो अल्टीमेट तरीके से आपकी वीडियोस चलने वाली हैं। जितने भी आप लोग नीचे जाओगे ना, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके का कंटेंट बना के अच्छी तरीके से वायरल हो रहे हैं। तो मैं देखो आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूँ, मैं यही समझाना चाहता हूँ कि आप स्मार्ट वर्क क्यों नहीं कर रहे।
लोग बाग स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, अपनी शॉर्ट्स को वायरल करवा रहे हैं, लेकिन आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो, इसी वजह से आपकी शॉर्ट वीडियो वायरल नहीं हो रही है। तो गाइस देखो, आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा, मैंने इस वीडियो को आप लोगों को पूरा दिखाया भी, ठीक। आप लोग आई थिंक यहाँ तक देखते हुए आ रहे हो तो आप लोग बहुत कुछ सीख गए होंगे। शॉर्ट्स को वायरल करने के तरीके मैंने आप लोगों को क्लियर कट बता दिया, सामने खुल के बता दिया, यही तरीके हैं, फॉलो करो, आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। तो इन तरीकों को फॉलो करो, आपकी शॉर्ट्स डंकिंग शॉट पर मैं कह रहा हूँ वायरल होगी भाई। कंसिस्टेंसी जब आप मेंटेन करोगे, शॉर्ट्स आपकी डेफिनेटली वायरल होने वाली है। तो गाइस ये थे आज के कंप्लीट वीडियो, कैसे लगे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करेगा। मिलता हूँ ऐसे किसी अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।